भाई नमस्ते कैसे हैं सो गाइस और एक कॉन्सेप्ट लेके आ गया हूं मैं आप लोगों के साथ एंड दैट इज कॉल्ड एज ए स्कोर बट उसके पहले दैट यू लाइक द वीडियो बिकॉज ये शॉर्ट शॉर्ट काफी सारे स्टूडेंट्स को हेल्पफुल हो रहे हैं स्पेशली दोज हु आर जस्ट अपियरिंग फॉर इट या फिर जिनको एक क्विक रिविजन चाहिए बिकॉज इन्हीं के ऊपर आईसीआई क्वेश्चन पूछ रहा है सब्सक्राइब करके रखना सो दैट इट विल बी एंड यूजफुल टू यू टिल द एंड

इन टर्म्स ऑफ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट तो मुझे अर्जेंट ए स्कोर देखना पड़ेगा एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर एट तो आ जाइए अगर आपके पास ऑप्टिमाइज uh, <coughs> है देन इन दैट केस आप ऑप्टिमाइज्ड ओपन कर सकते हैं पेज नंबर एट पॉइंट टू नाइन काफी सारे स्टूडेंट्स ने अभी फास्ट्रैक uh, बैच लिया है फॉर दिस एस सी पी एम सो इनकेस आपका अटेम्प्ट अभी है और आपके पास कम टाइम है डेफिनेटली यू कैन एनरोल फॉर दैट एंडीसो एज पर योर लाइकिंग सो प्लीज अगर आप लोग के पास है, तो कर लो। नहीं है तो टेलीग्राम चैनल पर मैं शेयर कर दूंगा so, देखो, नीचे कमेंट्स में टेलीग्राम चैनल दिया है जिसके पास बुक नहीं है वो लोग मॉड्यूल खोल सकते क्योंकि इनके सभी आपको करना है देन इन दैट केस इट विल बी हेल्पफुल व्हाट इज अर्जेंटीज ए स्कोर अर्जेंटीज ए स्कोर एक स्कोर कार्ड है ठीक है कैसे आप लोगों को एग्जाम में मार्क्स सब्जेक्ट uh, और उसके मार्क्स आते हैं तो उसको क्या बोलते हैं स्कोर कार्ड वैसे ही अर्जेंटी एक स्कोर कार्ड बनाया उसने भी ऐसे ही लिखा एफ आर ए एफ एम ऑडिट डी टी आई टी आई बी एस एस एम पी लॉ और उनके मार्क्स दिए अपने को कितना चाहिए फोर्टी फिफ्टी एंड फॉर अस हायर द बेटर अर्जेंटीज ए स्कोर ने अर्जेंटी ने जो स्कोर कार्ड बनाया उसका पहला फंडामेंटल मैं आपको बता दू द स्कोर शुड बी लोअर द बेटर तो अर्जेंटी का स्कोर का पहला थीम है लोअर द बेटर ठीक है तो क्या है ये अर्जेंटीज ए स्कोर चलो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड इट

अगर बेसिक एरर है बेसिक नेगेटिव चीजें है तो उसको उसने बोला कि दे आर कॉल्ड एज़ डिफेक्ट्स अगर थोड़ा और हाई लेवल का है तो उसने बोला दे आर कॉल्ड एज़ मिस्टेक्स एंड अदरवाइज इट इज कॉल्ड एज़ सिम्टम्स ऑफ फेलियर मतलब ये बेसिक ये एडवांस्ड एंड ये सुपर एडवांस्ड इश्यूज मतलब यहां पे तो सिम्टम्स ऑफ फेलियर इज लाइक अ पूरा का पूरा रेड सिग्नल आप मान सकते हो जो बेसिक डिफेक्ट्स है उसको और फर्दर सब डिवाइड किया मैनेजमेंट डिफेक्ट एंड अकाउंटिंग डिफेक्ट में राइट right? सो so, क्या है ये पूरा लिस्ट में अभी आप लोगों को बताऊंगा नॉट टू वरी सो सी दिस मॉडल हैज थ्री क्या है वो तीन मिस्टेक्स एंड सिम्टम्स ऑफ फेलियर आएगा आप लोगों को डिफेक्ट लिखेंगे मिस्टेक्स लिखेंगे सिम्टम्स ऑफ फेलियर लिखेंगे और फोर्थ कुछ और ही लिखेंगे तो वो आइडेंटिफाई करना है ओके दिस इज द दर्टमेन आउट दिस ग्रुप्स आर फर्दर सब ग्रुप

सो so ऑबियसली अपने को चाहिए कि इंटरेस्ट बेरिंग फंड शुड नॉट बी वेरी हाई बिकॉज मेरा जो प्रॉफिट है वो पूरा का पूरा अदरवाइज इंटरेस्ट को कवर करने में ही चले जाएगा सो so, गियरिंग बहुत ज्यादा हाई नहीं होना चाहिए अगर गियरिंग हाई है ये एक नेगेटिव चीज है राइट right? वैसा चीफ एग्जीक्यूटिव इज एन ऑटोक्रेट बस अपनी अपनी चलाता है दूसरों की सुनता नहीं है नेगेटिव चीज है स्कोर शाल बी मार्क्ट बाय मैनेजमेंट फॉर ईच सच एरिया देखो इधर नेगेटिव एस्पेक्ट एंड देन ऑल सच स्कोर शाल बी एडेड अब अगर नेगेटिव स्कोर को ऐड कर रहे हैं तो जितना कम हो उतना बेटर है ना इसके लिए लिखा है लोअर द बेटर टोटल स्कोर शुड नॉट बी मोर देन फोर्टी टू आ, ट्वेंटी फाइव बॉस ट्वेंटी फाइव के नीचे हंड्रेड में से ट्वेंटी फाइव के नीचे होना चाहिए देन अगर ट्वेंटी फाइव से ज्यादा है इफ द टोटल स्कोर ट्वेंटी क्या पहला एरिया है डिफेक्ट उससे भी खराब मिस्टेक्स उससे भी खराब सिम्टम्स ऑफ फेलियर ठीक है डिफेक्ट में दो और चीजें हैं मैनेजमेंट डिफेक्ट एंड अकाउंटिंग डिफेक्ट डन सर समझ में आ गया नेक्स्ट अब जब मैं डिफेक्ट्स मिस्टेक्स और सिम्टम्स ऑफ फेलियर की बात करता हूँ ध्यान से समझा डिफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं एक मैनेजमेंट वीकनेस जैसे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आपका बराबर नहीं है ठीक है ऑटोक्रेटिक चीफ एग्जीक्यूटिव चेयरमैन इज द सीईओ ऑफ द कंपनी देखो चेयरमैन अलग होना चाहिए सीईओ ऑफ द कंपनी अलग होना चाहिए ठीक है बिकॉज अगर वो दोनों सेम ही है देन इन दैट केस डिसीजन मेकिंग विल बिकम अट ऑफ इश्यू अब यह तो नेगेटिव बात हुआ चेयरमैन वाला इजेशन का मैनेजमेंट लेवल पे वैसे अकाउंटिंग लेवल पे भी हो सकता है कि भाई तुम बजट बराबर नहीं बना रहे हो सो लैक ऑफ बजट रि कंट्रोलिंग सिस्टम इज नॉट प्रॉपर सो ऑल ऑफ दैट विल्जीक्यूटिव इज एन ऑटोक्रैट आठ का रैंकिंग जितना ज्यादा रैंकिंग उतना नेगेटिव ध्यान रखना चीफ एग्जीक्यूटिव होल्डिशन ऑफ चेयरमैन तो ऐसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सर ये सब याद रखना है क्या एक दो बार रीड कर लो मुझे नहीं लग रहा है कि सच अपने को ध्यान में रखने का जरूरत है कॉस्टिंग सिस्टम बराबर नहीं है कैश फ्लो का फोरकास्टिंग नहीं है ऑल ऑफ दैट वैसे ही ग्रुप बी आएगा विच इज मिस्टेक्स मिस्टेक्स अकर ओवर टाइम एज अ रिजल्ट ऑफ द डिफेक्ट्स डिफेक्ट्स एंड मिस्टेक्स आर इंटरकनेक्टेड ये रहा आपका और एक एमसीक्यू सोस्ट डिफेक्ट एंड मिस्टेक्स आर इंटरकनेक्टेड इंटरडिपेंडेंट ऐसा कुछ करके आएगा ध्यान रखना इट इज इंटरकनेक्टेड टू इंटर द मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग सिस्टम आर आर वीक देन मिस्टेक्स बाउंड टू हैपन जैसे कि हाई गियरिंग जो मैंने आपको समझाया था ओवर ट्रेडिंग या फिर फेलियर ऑफ अ बिग प्रोजेक्ट पहले कभी आपका कभी एक बड़ा प्रोजेक्ट फेल हो चुका है ऑल ऑफ दैट इज अ डिफेक्ट एंड लास्ट में आ जाता है मेरा सिम्टम सिम्टम्स इज वर्स्ट सिमटम्स अगर है आप लोग को सिमटम्स ऑफ फेलियर इवन वन सिम्टम अगर है देन इन दैट केस योर कंपनी इज अ बिग रिस्क यस आर्जेंटी सीधा बोलता है सिमटम्स ऑफ फेलियर विल बी प्रेजेंट इफ मिस्टेक्स अबाउ आर ऑफ कंटिन्यूइंग नेचर मतलब अगर आप डिफेक्ट्स को इग्नोर किया तो मिस्टेक हो जाएगा मिस्टेक्स को भी आप करते रहे तो इवेंचुअली सिस्टम सिम्टम्स ऑफ फेलियर आएगा दीज सिमटम्स विल बी विजिबल सिम्टम्स कैन बी समथिंग लाइक डिटीरियोटिंग रेशियोज

So, ये ग्रुप ए का हुआ वैसे ही ग्रुप बी का है इसमें आ जाता है हाई गियरिंग ओवर ट्रेडिंग बिग प्रोजेक्ट फेलियर वैसे ही सी आ जाता है ये इधर लिखने का है अपने को सी सी क्या है सिम्टम्स ऑफ फेलियर फाइनेंशियल एनालिसिस में कोई प्रॉब्लम आ रहा है क्रिएटिव अकाउंटिंग है मिस रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो देन इट इज अ बिग बिग इशू अब ध्यान से इंटरप्रिटेशन ऑफ स्कोर को समझो ठीक है मैं तुम लोग को इंटरप्रिटेशन ऑफ स्कोर समझा रहा हूं ध्यान से समझना उसका दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ए बी और सी में इसको डिवाइड करेंगे अपन देखो अगर आपके ग्रुप ए मतलब जो डिफेक्ट्स वाली चीजें हैं उसका स्कोर 15 15 है ना भाई 15 या 10 है दोनों में से एक है।, है भाई इतना है डिफेक्ट्स देखो टोटल 100 हो रहा है भाई दबे टोटल 100 है 100 में से 25 के नीचे होना चाहिए बस टोटल 25 चलेगा अब ग्रुप ए में बोला है टेन तो ग्रुप ए कुछ भी हो जाए टेन से ज्यादा स्कोर नहीं होना चाहिए बी क्या था अपना बी था अपना मिस्टेक्स कुछ भी हो जाए पंद्रह से ज्यादा नहीं होना चाहिए तो टेन मैक्स फिफ्टीन मैक्स सी विच इज सिम्टम्स ऑफ फेलियर गैस करोगे कितना मैक्स जीरो मैक्स इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता एंड 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 ए प्लस बी प्लस सी ट्वेंटी फाइव मैक्स समझ में आ गया आप लोगों को सो दैट इज हाउ दिस होल सिस्टम वर्क क्लियर एवरी वन सो दिस इज हाउ इट इज ठीक है कुछ देखो अब आप बोलेंगे कि सर अगर ए आठ हुआ बी बारह हुआ और सी पांच हुआ तो जैसे ही ये सी आया ठीक है जैसे ही ये सी आया इट इज अ रिस्क सिंपल इसके लिए एग्जाम्पल भी आपके पास यू डोंट हैव टू वरी अभी देखो द मैक्सिमम स्कोर अलॉटेड इज हंड्रेड फोर्टी थ्री फ्रॉम ग्रुप ए फाइव फ्रॉम बी ट्वेल्व टू बी इट्स ओवरऑल स्कोर मस्ट बी लेस देन द मैक्सिमम एक्सेप्टेबल स्कोर ऑफ ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव के ऊपर नहीं जाना चाहिए विद ये देखो टेन ग्रुप ए ग्रुप बी

जस्ट बच गए हेल्दी इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए था. Defects two, mistake 15, zero, just बच गए. क्योंकि mistake 15 के ऊपर नहीं होना चाहिए चलेगा. चलेगा, चलेगा. एक भी गड़बड़ तो gone. See, देखो बट चलेगा, चलेगा, ये फोर नहीं चलेगा रिस्की वैसे भी फोर भी नहीं चलेगा ट्वेंटी नाइन भी नहीं चलेगा रिस्की समझे तो यहाँ पे ये सब अपने को बच गए बच गए नेक्स्ट ये जीरो जीरो ये ऑफ ट्रबल अब सोचो टोटल स्कोर 25 है यहां पे तो फोर ही आया बट बिकॉज सी का फोर आया है इट इज कंसिडर्ड एज रिस्की समझ गए अभी आप फोर्थ वाला देखो सी का फोर आया रिस्की क्योंकि इंडिविजुअली इट शुड नॉट बी मोर देन जीरो बस क्लियर फिफ्टीन जीरो जीरो रिस्की क्यों क्योंकि डिफेक्ट्स में टेन से ज्यादा नहीं होना चाहिए पर डिफेक्ट्स में आपका तो फिफ्टीन है टेन से ज्यादा है नहीं चलेगा जीरो थर्टी सो दिस इज मेड एंड आई होप अपने को पूरा क्लियर हो गया होगा चलो सो so अब अर्जेंटी ए स्कोर के ऊपर कुछ क्वेश्चन आता है तो प्लीज एंश्योर दैट यू आर गेटिंग द फुल मार्क्स ओके देन सो टाइम फॉर मी टू से विस्ता और कुछ भी आपको चाहिए तो डेफिनेटली लेट मी नो एज आई टोल्ड यू के जो भी कॉन्सेप्ट चाहिए जैसा भी चल रहा है शेयर योर कमेंट्स एंड आई विल गेट बैक टू यू टाइम फॉर मी टू से आस्था विस्ता थैंक यू सो मच टेक केयर बाय बाय